हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, व्हाई डिड मिचोंग ब्रिंग सो मच रेन। तो ये जो मिचोंग आपका साइक्लोन आया है, इससे इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हुई है। ऑन December 5 साइक्लोन मिचोंग प्रोनाउंस मिगजॉम मेड लैंडफॉल ओवर बापला इन आंध्र प्रदेश आफ्टर अ वीक लॉन्ग जर्नी ओवर अ बे ऑफ बंगाल दैट ऑल्सो बॉट हैवी रेन ओवर नॉर्थ तमिलनाडु। तो आप देखिए, आंध्र प्रदेश और आंध्र का साउथ और तमिल का नॉर्थ, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है। हाउ डिड द साइक्लोनिक स्ट्रॉम फॉर्म? ऑन November 29 द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD आइडेंटिफाइड अ वेल मार्क लो प्रेशर इन द साउथ वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बिकम डिप्रेशन बाय November 30। अ डीप डिप्रेशन ऑन December 2 एंड अ साइक् सॉरी एंड द साइक्लोनिक स्ट्रॉम बाय December 3। देर आफ्टर द IMD फोरकास्ट दैट द सिस्टम वुड मूव नॉर्थवर्ड कोस्टल आंध्र प्रदेश ब्रिंगिंग रेन टू नॉर्थ तमिलनाडु ऑन December 3 एंड 4। इट वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल बिटवीन नेल्लोर एंड मछलीपट्टनम एज अ साइक्लोनिक स्ट्रॉम बाय December 5। ऑन December 2 इट हैड कम टू विद इन 400 किलोमीटर ऑफ चेन्नई एंड इंड्यूस्ड रेन ओवर द सिटीज साउथ। बाय December 3 मॉर्निंग द सिस्टम हैड बिकम अ साइक्लोनिक एंड रिसीव नेम मिचोंग। तो ये इसका प्रोग्रेस था, कैसे कैसे, ये हमें याद नहीं रखना है, बस ये चीज़ें कुछ ध्यान किए। IMD को कैसे पता चला? सबसे पहले पता चला कि आपका लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है। लो देखिए, सबसे पहले लो प्रेशर बना, फिर डिप्रेशन बना, फिर साइक्लोन बना, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कैसे स्टार्ट हुआ। हाउ डिड साइक्लोन मिचोंग प्रोसीड? ए साइक्लोन मिचोंग अप्रोच नॉर्थ तमिलनाडु चेन्नई कांचीपुरम तिरुवल्लूर एंड चेंगालपट्टू बिगैन टू रिसीव रेन। द स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलीडे इन दिस एरिया ऑन December 4 and 5 आफ्टर द IMD फोरकास्ट हेवियर शॉवर। बाई December 3 साइक्लोन मिचोंग वॉज रफली 200 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द सिटी एंड हैड शोड टू 8 किलोमीटर पर आवर। By December 4 morning, it had moved to within 150 kilometer, dumping a large amount of rain in Chennai. Chennai, with strong winds gusting up to 80 kilometer per hour, it continued to stay close to Chennai on December 4 evening, with many areas in the city receiving more than 150 mm of rain in 24 hours. There were several reports of localized flooding and people stranded in places where the water couldn't drain. Together with the city-wide power cut, the downpour ceased early on December 5 as the cyclone resumed its northward journey. तो देखिए, यहाँ पे पावर कट हो गया था, उसके बाद वो तमिलनाडु के नॉर्थ में जा रहा है, मतलब आंध्र प्रदेश में नॉर्थवर्ड जर्नी उसने स्टार्ट की। इसकी स्पीड इतनी कम थी, उससे ज़्यादा 150 किलोमीटर पर आवर से इसकी स्पीड बढ़ गई और विंड की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ गई, और उसके बाद लोकलाइज फ्लडिंग हो गया और वहाँ पे लोगों के वहाँ पे पानी बढ़ गया घर के आसपास। तो ये था। डिड इट इंटेंसीफाई? ऑन December 4 द साइक्लोनिक स्ट्रॉम इंटेंसीफाइड टू अ सुपर साइक्लोन स्ट्रॉम। तो सुपर साइक्लोन स्ट्रॉम बन गए। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर इंजिन दैट यूजेस अ वार्म सी सरफेस एज अ फ्यूल। तो ये इंजिन होते हैं जो वार्म सी सरफेस को, सी सरफेस चाहिए और वो भी गर्म, उसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, इसीलिए जब वो लैंड पे आते हैं तो वो इंटेंसिटी कम होने लगती है। एज एयर मूव्स ओवर अ वार्म सी इट आल्सो वार्म्स एंड एक्यूमुलेट्स मॉइस्चर एंड बिगिन टू एसेंड। इन दिस प्रोसेस इट बिकम्स कूलर विच कंडेंस द वेपर एंड फॉर्म क्लाउड्स। कंडेंसेशन रिलीजेस हीट विच मेक्स द एयर लाइटर एंड कॉज इट असेंड फर्दर। असेंड मतलब ऊपर चढ़ना। एज इट डज द सराउंडिंग एयर मूव्स इट अंडरनीथ क्रिएटिंग अ सर्फेस विंड एसोसिएटेड विद साइक्लोन। दिस सिंप्लीफाइड प्रोसेस इज अ रीजन क्लाइमेट चेंज हैज़ बिन कंड्यूसिव टू साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन। लार्ज वाटर बॉडीज एब्जॉर्ब मोर ऑफ द हीट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। द इंटेंसिफिकेशन इज ऑल्सो ग्रेटर इफ द साइक्लोन स्पेंड्स मोर टाइम ओवर द वाटर बिफोर लैंडफॉल। जितना पानी में रहेगा उतना इंटेंसीफाई होगा। ए साइक्लोन मिचोंग डिड ऑफ द तमिलनाडु कोस्ट। तो तमिलनाडु कोस्ट में आने से पहले साइक्लोन मिचोंग बहुत दिनों तक पानी में रहा है, इसीलिए वो ज़्यादा इंटेंसीफाई है। Why does intensification matters? Cyclone draw heat from sea and move it to upper atmosphere where wind carry it to earth's pole. An intensifying cyclone will do this more powerfully. A study published in May 2020 found that tropical cyclone with wind speed upward of 185 km per hour
had begun. 15% more likely since 1976. Cyclone Michaung's own intensification was also assisted by Median-Julian Association, MJO, among other factors, according to an advisory from the Regional Specialized Meteorological Center, Tropical Cyclone New Delhi. The MJO consists of pair of weather anomalies that move eastward, मतलब eastward, आपके Arabian Sea के तरफ से आपके इधर जाते हैं, Africa से Australia के तरफ जाते हैं. Eastward around the world once every 1 or 2 months. So, हर एक दो महीने में होता है. The leading side impose a dry weather while the trailing side impose a wet rainy weather. The advisory said on December 3, MGO near cyclone Michaung maintained favorable condition for rain formation. Cyclone intensification complicates forecast model and allows storm to make landfall with more energy, move further inland, survive longer and bring on ground devastation to previously inaccessible areas. What happened to Michaung? So, hua kya Michaung ko? Cyclone Michaung crossed over land just south of Bapla district, Andhra Pradesh, from 12:30 p.m. on December 5. It brought a heavy rain and winds with a sustained speed of 90 to 100 km per hour as it crossed over in a process uprooting trees and electric poles. At 3:30 p.m. on December 5, the IMD reported, based on radar data, that the storm has completed landfall. An hour later, an IMD bulletin said the storm system was moving north at 11 km per hour while weakening into a cyclonic storm over the next couple of hours. By 6 p.m. December 6, the storm had devolved into a well-marked low-pressure area. तो इसमें आप देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है. उससे भी पहले एक बार जगह देख लेते हैं. ये आपका हो गया अरेबियन सी, ये आपका हो गया बे ऑफ बंगाल और ये मेरा प्यारा भारत. साइक्लोन यहाँ पे इमर्ज हुआ है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है. यहाँ से होते होते ये तमिलनाडु हो गया आपका और ऊपर में ये आंध्र प्रदेश का कोस्ट हो गया. यहाँ पे हिट किया साइक्लोन, ठीक है. यहाँ से ऐसे आके वो हिट किया, तो नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु और साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश इस जगह पे ये हिट किया है. अब देखिए सबसे पहले साइक्लोन मिचोंग, कौन सा साइक्लोन है ये? ट्रॉपिकल साइक्लोन है. तो हमें अपने आप ट्रॉपिकल वर्सेस टेम्परेट बताना चाहिए. क्या टेम्परेट में लो टेम्परेचर की ज़रूरत है, बाकी ऐसी ज़रूरत है नहीं. टेम्परेट में फ्रंट्स बनते हैं, ठीक है. तो फ्रंट्स क्रिएशन होते हैं टेम्परेट में. एयर मास्क वाला कंसेप्ट यूज होता है, वार्म एयर मास्क, कोल्ड एयर मास्क, वो हो गया आपका टेम्परेट. यहाँ पे ओशन से कुछ कंडीशन चाहिए होते हैं जहाँ जिसके वजह से आपका, तो सबसे पहला कंडीशन होता है वार्म, 28 डिग्री सेल्सियस वार्म वाटर चाहिए. तो यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि और जितने दिन ये कंडीशन ट्रैवल करेगा पानी में, इतना दूर ट्रैवल किया इंटेंसिफाई होते रहा, साइक्लोन बन रहा है. यहाँ पे बीच में आई होता है काम कंडीशन होता है, आसपास जो होते हैं बहुत हैवी रेन्स हो रहे होते हैं, ठीक है. यहाँ पे ये बीच में आई होता है आपका. होता क्या है, ये ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ता है, ठीक है. आप देखिए पानी जहाँ पे गर्म है वहाँ पे टेम्परेचर के वजह से पानी गर्म है आपका, वहाँ पे टेम्परेचर राइज है तो एयर लाइट है आपका, एयर लाइट है तो एयर ऊपर उठता है, ठीक है. और वही इंटेंसिफाई करते जाता है साइक्लोन को, और वो जितना पानी में रहेगा उतना ऊपर उठते जाएगा. बीच में कंडेंस होते रहता है और उतना ही साइड के जो कंडेंस होता है तो हीट को रिलीज करता है. तो यहाँ पे कंडेंस हुआ, हीट रिलीज हुआ, यहाँ के एयर गर्म हुए, ये एयर फिर ऊपर राइज कर दिया आपके. फिर यहाँ कंडेंस हुआ, यहाँ के हीट रिलीज हुआ, यहाँ के एयर गर्म हुए, ये और ऊपर राइज करेगा. तो ये प्रोसेस रहता है इसका, ये फ्यूल की तरह काम, ये इंजन होता है. और फ्यूल क्या होता है आपका? इंजन है आपका साइक्लोन, कौन सा? ट्रॉपिकल वाला. और फ्यूल क्या है आपका? वाटर और वार्म वाटर, ये आपका फ्यूल है, ठीक है. अब आप देखिए
इसमें ये सारी चीजें कहाँ हुआ क्या हुआ ये तो हमें नहीं जानना, ठीक है। ये डिड इट इंटेंसीफाई, तो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बना। इंजन डेट यूजेस सी वाटर, वार्म सी वाटर एज अ फ्यूल, ठीक है। असेंट फर्जर होता है, ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये प्रोसेस वहाँ पे जो मैंने ऊपर बताया यही है, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन मैटर एम जी ओ, एक एम जी ओ मेडन जूलियन ऑसिलेशन होता है, जैसे इंडियन है यहाँ पे, अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, तो ये पार्ट्स में होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल बन रहा था ना, वहाँ पे उन्होंने रेनफॉल वाली कंडीशन आपकी एम जी ओ ने दे दी। ये एवरी 1 और 2 मंथ्स होते हैं, एक जगह ड्राई कंडीशन कर देगा, एक जगह रेन कंडीशन कर देगा। पैकेट्स में चलते हैं, जैसा मैंने बताया पैकेट्स में चल रहे हैं ये। यहाँ पे रेनफॉल वाले कंडीशन बताया, जिसके वजह से जो साइक्लोन है आपका और इंटेंसिफाई हो गया, ठीक है। ये देखिए 1 और 2 मंथ्स होता है, लीडिंग साइड पे ड्राई होता है और आपके ट्रेलिंग साइड पे वेट होता है, और ये आपका फेवरेबल कंडीशन बना के दे दिया रेन फॉर्मेशन का। हुआ क्या, लैंड पर आया, डिस्ट्रक्शन किया इसने अपना, जब तक उसको फ्यूल मिल रहा था, फ्यूल मिलना बंद हुआ, उसके बाद से अपने आप ट्रेल हो गया, ख़त्म हो गया। तो यही था इस आर्टिकल में हमारे लिए जानने के लिए। मिचोंग और ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।